तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिटमो गेमिंग। तो गाइस, हम एक नया गेम शुरू करने जा रहे हैं आज से, जिसका नाम है कॉन्ट्राबैंड पुलिस। और भाई देख सकते हो क्या ही ग्राफिक है भाई इसके। और भाई ये बंदा बोल क्या रहा है बे? भाई कौन सी भाषा बोल रहा है भाई साहब? क्या भाषा बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई। और ये देखो भाई, डॉल क्या नाच रही है यहाँ पे। और भाई क्वालिटी तो देखो कितनी तगड़ी है भाई इसकी, एकदम खतरनाक जगह पे है भाई। भाई तू चुप ही हो जा भाई, तू बोल ही मत, क्योंकि तू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और भाई अपन कहाँ पे, कहीं पे बैठे हुए भाई इसी गाड़ी में, कहीं पे सीट पे। ओ ओके भाई, कहीं पे आ गया। अच्छा यहाँ से उतरना है ना, ठीक है भाई जल्दी उतरो। भाई इस बंदे ने नौटंकी कर दी, दिमाग खराब कर दिया। इतनी देर से बोले जा रहा है, बकवास करे जा रहा है। और भाई ये भाई, इनको देख के तो यहीं पे ठोकने का मन करता है। मारू तेरे को कॉन्स्टेबल, बता मारू तेरे को। ये कॉन्स्टेबल भाई यहीं पे दिन में ही, मतलब सुबह सुबह चालू। चलो शायद यहीं पे जाना है अपन को। ये क्या है, चैप्टर वन ट्रेनिंग। हाँ तो भाई हमें ट्रेनिंग की जरूरत ही है बिल्कुल। अबे तू तो चुप ही रह, ठीक है। अबे ये चुप नहीं रहेगा क्या? ए भाई तुम कौन हो, तुमसे बात करनी है क्या हमको? अरे ये तो कॉन्स्टेबल है, इससे बात नहीं करनी। कौन है यहाँ पे फिर? ओ चलो एरो उधर दिखा रहा है, अपन को उधर जाना है। चलो जल्दी से भाई, हाँ इसको खोलो अंदर। चलो अब ये क्या है, अपन को टॉर्च लेनी है, ठीक है। अच्छा टॉर्च नहीं लेनी, वो शायद फाइल लेनी थी। ओके इस फाइल में अपन को बोल रहा है यहाँ पे। अच्छा गाइस, यहाँ पे अपन को बता रहा है कि हमको क्या क्या चेक करना है। मतलब लोग यहाँ पे आएंगे तो हमको उनका मतलब नेम और सरनेम ये सब चेक करना है, और पासवर्ड, नंबर, फ़ोन, फ़ोटो वोटो ये सब भी भाई मतलब उनका चेक करना है। भाई टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है यहाँ पे। खैर ये सब छोड़ो अभी अपन को। ये मैप कैसे, अच्छा एम सी खुलेगा मैप। तो गाइस अभी अपन लोग इस जगह पे है यहाँ पे। और भाई कितना खतरनाक मैप है इसका, कितना बड़ा है मैप है। मतलब सही है यार, जितना बड़ा उतना सही रहता है मैप। चलो अभी अपन को यहाँ पे जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गए कहाँ? अच्छा इधर जाना है। अच्छा अपन को ये दबा के, ताकि व्हीकल लेकर आनी है। ई से दबे मैं भी, क्या यार मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ इसको खोलने के लिए। अच्छा एक गाड़ी एक बार में आएगी, मतलब एक बार में एक गाड़ी। तो गाइस अभी अपन को करना क्या है, गाड़ी के पास जाना है, ठीक है बाबू। हम आ गए, गेट खोल दिया। आप क्या करना है? कैन आई हैव योर डॉक्यूमेंट और नेवर माइंड। नहीं भाई ये चेक करना है अपन को। तो हाँ जहाँ पे उसमें अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वहाँ पे गए थे ना, तो अपन को बताया गया था कि हमको क्या क्या चेक करना है। तो गाइस वही जल्दी से भाई चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसका भाई नाम चेक करते हैं। अबे यार ये तो चुप हो जाए यार ये, एक सेकेंड। तो ये रहा इसका सर नेम और ये रहा इसका, ये दोनों मैच हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है भाई यहाँ पे अपन को इसका सर नेम करना है, सही है। अरे नहीं, हाँ चलो सही है भाई, सर नेम सही है। अभी अपन को रुया सर नेम मिलाना था, मिला लिया। और ये क्या है, पासपोर्ट नंबर, भाई इससे मिलेगा सीधा पासपोर्ट नंबर से, पासपोर्ट सॉरी। और ये डेट है, ये किससे मिलेगी भाई? कांट मैच। अच्छा इधर मिलेगी भाई, ये यहाँ पे देखा जाएगा कि मतलब सही है कि नहीं है ये। चलो इसकी डेट, इसका भाई सब कुछ सही है, तो अपन इसको जाने देते हैं यहाँ से। हाँ रुक जाओ, इसको वापस कैसे दूबे में? अच्छा भाई अभी अपन को भाई इसमें, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको काट। अरे अपन को इसमें यहाँ पे वो लगाना है भाई, इसमें हम सब कैसे लगाएंगे भाई? अरे भाई इसको इन कैसे ले, अंदर कैसे है भाई? यहाँ पे बोल तो रहा है इसको करने के लिए फिनिश। अच्छा यहाँ पे जाके होगा यार, अब जाके करो एक्सेप्ट, ठीक है भाई। इसको अप्रूव कर दिया, जा सकते हो बबुआ तुम अंदर। अबे क्या मतलब बदतमीजी से बात करते हैं भाई ये लोग, तमीज नहीं है इनको, पता नहीं है इनको भाई किससे बात कर रहे हैं ये। पुलिस से बात कर रहे हैं, तुमको पता है? जेल में डाल दूंगा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी ने भी किया तो। गाइस अब दूसरी गाड़ी को बुलाते हैं अपन लोग। अब जल्दी आ यार, बहुत टाइम लगा रहा है। ये कौन है भाई, सूखा? पता नहीं होगा। ओ भाई देखो यहाँ पे कोने में अपना दिखा रहा है, मतलब राइट साइड। भाई क्या है ये, खटारा गाड़ी लेकर आया है। देखो क्या ही खटारा गाड़ी। ए ये क्या, एक मिनट रुको, इसका हम इंजन भी खोल सकते हैं? नहीं भाई नहीं खोलना अपन को। चलो इससे भाई बात करते हैं। कैन आई हैव योर डॉक्यूमेंट? हाँ भाई जल्दी दो। ये देते कैसे भाई, एकदम हाथ सीधा करके, मतलब इनको कोई बीमारी बीमारी हो। इसका भाई नाम वाम चेक करना है? नहीं भाई ये देखो नाम चेंज चेंज है इसका। देखो यहाँ पे अली ईपी लिखा है और यहाँ पे अली ईवी लिखा है, तो भाई ये चीज़ मिसमैच है। इसका एक नाम है और पासपोर्ट नंबर इसका ये मैच कर रहा है। वैलिड टू, ओके इसका वैलिड है काफ़ी। और ये अंदर वर्क के लिए जा रहा है, भाई कौन सा वर्क के लिए जा रहा है? तेरा नाम गलत है। इसका भाई नाम गलत है, तो काटो इसको भाई, सीधा अब अंदर भेजना नहीं है। ओके बबुआ तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। डिक्लाइन भाई, नहीं जा सकता बिल्कुल भी। अब तुम यहाँ से घूमो और जाओ यहाँ से फिर। हाँ क्या गुस्सा दिखा रहा है, मैं ठोकू तेरे को, बता ज़्यादा ही बनना आ रहा है। ठोकू बता, ठोकू, निकल अब यहाँ से पहली फुर्सत में। चलो भाई ये तो भाई यहाँ से जा रहा है, अब दूसरे को बुलाते हैं हम यहाँ पे जाके जल्दी से। अब ये वाली गाड़ी, अरे यहाँ पे कितनी, दो गाड़ी और बची है बस, अपन को दो और लानी है। ओके भाई इसकी गाड़ी मतलब ठीक ठाक है,
तो उसकी गाड़ी खोल के देखते हैं, यहाँ पे एक ही गाड़ी है भाई। चलो इसके बाद में जो, अब जल्दी से भाई अपने डॉक्यूमेंट दो जल्दी से अपन को। हाँ भाई दो। ओके भाई, इसका नाम भी मैच हो गया है और पासपोर्ट नंबर भी मैच करके देखते हैं, ये भी मैच हो रहा है। और भाई ये वैलिड है अभी तक, मतलब इसका विजिट करने के लिए जा रहा है भाई, ऐसा क्यों? एक मिनट फ़ोटो देखने दो इसकी भाई, फ़ोटो भी ज़रूरी है। एक सेकेंड है बबू, इधर शक्ल दिखाओ तुम अपनी। हाँ दिखाओ, तुम शक्ल से ही चमगादड़ खाने वाले लगते हो भाई। नहीं भाई, शक्ल तो मैच कर रही है इसकी। अबे कपड़ा भी वही है, मतलब वही अभी फ़ोटो खिंचा के लेकर आया है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। चल बबुआ तुम जाओ यहाँ से। चलो भाई इसको जाने देते हैं, क्योंकि इसका सब कुछ वैलिड है एकदम। अबे शुरू में तो सही से बात की, लास्ट में तो ऐसे दिखाने लगा नखरे, ऐसे कि मतलब गुस्सा दिखा रहा भाई पूरा। पता नहीं भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, सही से बात ही नहीं करते। चलो भाई एक और गाड़ी आ गई है, ये लास्ट गाड़ी है भाई, इसके बाद में पता नहीं अपन को और क्या काम मिल सकता है। जल्दी खोल भाई अपना दरवाज़ा। चलो भाई इसके डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं जल्दी से, फिर चेक करके देखते हैं इसके में क्या दिक्कत है। लगता तो नहीं वैसे कुछ दिक्कत होगी, नाम भी देखो मैच कर रहा है इसका। पासपोर्ट नंबर ये मिस मैच कर रहा है भाई, एक चीज़ मिस मैच कर रही है। और ठीक है भाई, हम इसको नहीं जाने दे सकते क्योंकि एक चीज़ मिस मैच कर रही है। और इसकी शक्ल, हाँ शक्ल नहीं देखी मैंने। ओह ये देखो भाई, इसने भाई दाढ़ी बढ़ाई है कि मतलब क्या है? देखो इसमें दाढ़ी नहीं है इसके पास, और यहाँ पे देखो इसके पास दाढ़ी है। और पता नहीं शक्ल क्यों लग रही है कि भाई इसकी मिस मैच कर रही है थोड़ा। छोड़ो यार, शक्ल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसका मतलब शक्ल का पता नहीं है अभी मेरे को, यही इसकी शक्ल है या फिर इसकी नहीं है, क्योंकि इसने मतलब दाढ़ी रखी भी और फोटो में दाढ़ी नहीं है। तो हम इसको भाई वैसे भी अंदर नहीं जाने दे सकते, डिनाइट कर देते हैं भाई। मत जाओ तुम यहाँ पे, चुपचाप से निकलो बबुआ यहाँ से, जल्दी से तुम घर जाओ यहाँ से सीधा। निकलो जल्दी निकलो भाई। और कौन सी बची है? अच्छा कोई और गाड़ी नहीं है गाइस। अच्छा यहाँ पे अपन को जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है भाई? $60 मिल गए हैं। ओके यहाँ पे न्यूज़पेपर अपन को मिला है, द वॉइस ऑफ, ठीक है यहाँ पे फालतू डाटा कोई नहीं देख रहा। अब क्या करना है अपन को भाई? अच्छा भाई ये क्या है, गाड़ी है? ए ये क्या है बे? छोड़ो यार कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में तो। यहाँ पे शायद एक जनरेटर है और यही शायद अपनी गाड़ी, इसके अंदर कैसे जाएं बे? ओ ये रहा गेट, देखो इसके अंदर यहाँ से जा सकते हैं। अबे भाई कितना छोटा रूम है लेकिन मस्त है बे। इसकी लाइफ बहुत बेकार भी है और सही भी है। ये क्या है भाई, ये कुछ खाना है या टेप से कुछ मतलब कर दिया इसने? ये देखो भाई यहीं पे मतलब धोता है बर्तन वर्तन, और एक सोफ़ा जैसा ये है, एक ये रहा, और भाई क्या रखा हुआ है? छोड़ो भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे भी रखा हुआ है यार, चल कॉफ़ी पी तो ठीक है। और यहाँ पे सोता है भाई, और ये अलमारी है इसकी, निकालता कहाँ है भाई? ओ भाई जाले वाले हैं ये देख, इनको साफ़ कर लिया कर तू भाई। छोड़ो अपन जल्दी से सोते हैं यहाँ पे। ओके ओके समझ गए, पता नहीं क्या था। और भाई यहाँ पे हम काफ़ी देर के लिए भाई सो गए हैं, पता नहीं कितनी देर के लिए सोए हैं। और भाई हमारा प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं भाई, हम लोगों ने कमाए थे $340 करेक्ट चेकिंग, जो कि चार गाड़ी थी, और आई थिंक शायद चार ही गाड़ी थी, मतलब हमने सब कुछ सही किया बिल्कुल। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस मतलब इसमें $60 जा रहे हैं भाई, ठीक है। और पर्सनल सैलरीज ठीक है, -$75 इसमें जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो भी अपन को कट पिटा के भाई मिल रहे हैं $205, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया बात है पहले दिन के हिसाब से। तो भाई यहाँ पे सुबह हो चुकी है। हाँ भाई देखो हमने अच्छे से रात सो ली। वो गाइस ये जो है ना बंदा जो बोल रहा है इसमें, इसमें भी भाई ये थोड़ी बहुत जानकारी हमको दे रहा है, कह रहा है कि भाई सेकंड डे पे हम तुमको मदद करेंगे थोड़ा यहाँ करने में। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है बोर्ड पे देखने के लिए। हाँ भाई चलो, अब वही मैं सोचूँ, मैं सोच रहा था कि इसको देखूँ कैसे। ओके गाइस यहाँ पे हमको दो इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, यहाँ पे बोला है दो सस्पेक्ट है, मतलब जो कि कल के दिन, मतलब ये बोल रहे थे कल के दिन यहाँ पे इन्फेक्शन भाई जो भी बोलो कुछ भी बोलो, मेरे को सही से बोला नहीं जा रहा, उसे प्रनाउंस नहीं किया जा रहा। तो भाई उसके लिए भाई ये बंदा रुका नहीं था यहाँ पे, ये नहीं मतलब कोई एक बंदा है इनमें से जो भी भाई यहाँ पे आ रहे हैं वो रुका नहीं था, तो उसके ऊपर भाई थोड़ा शक जा रहा है इन लोगों का, तो सबको भाई हमको चेक करना है। चलो भाई बाहर निकलो यहाँ से गाड़ी से, क्योंकि अपन को अब गाड़ी के अंदर घुस घुस के इनकी तलाशी लेनी है। ओ पहले भाई मैं इससे बोल लेता हूँ इसकी डॉक्यूमेंट, जल्दी दे भाई। चलो इसके जल्दी से डॉक्यूमेंट देखते हैं, नाम इसका सही है और पासपोर्ट नंबर ये भी सही है। ये अंदर वर्क के लिए जा रहा है, तो भाई इसको तो अभी छोड़ो, अपन को भाई ये टॉर्च मिली है, इसको भाई देखना है जल्दी से। ओ भाई गाइस जैसे कि ये देख सकते हो, अपन को यहाँ पे बोला गया है वो जो सांप जैसा निशान होता है ना, हम ये टॉर्च से वो ढूंढ सकते हैं। और इसने बोला भाई टायर में और छत के ऊपर और ये गाड़ी के साइड में फ्यूल टैंक के ऊपर, एयर फिल्टर के पास और बम्पर पे, भाई इन सब जगह पे ये सब साइन मिले, कुछ ना कुछ छुपाया हो सकता है। जैसे कि ये देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसने छुपाया है। बेटा तुम तो गए, अब तुम तो जाओगे एकदम लंबे टाइम के लिए जेल में। तो अभी अपन को बोल रहा है भाई यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से क्या बोल रहा है? अरे भाई ये क्या है, चाकू?
क्या किसी का मर्डर वर्डर करना है? चलो जल्दी से इसका मर्डर कर दो। अरे भाई सही में कर दिया भाई इसने, मुझे लगा मारेगा नहीं, इसने सही में मार दिया। तो अपन को शायद शायद से भाई ये जो है ना, अरे भाई पीछे जाना थोड़ा, इससे अपन को ये जो है ना ये हिस्सा तोड़ना है। अरे भाई जल्दी निकालना। ओके गाइस ये देखो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोकीन लेकर जा रहा है ये। बेटा तुम तो कोकीन लेकर जाते हुए पकड़े गए हो, गए मारो इसको भाई। और ये हर जगह मुझे देखना है, यहाँ पे भी देख लेता हूँ और कहीं पे ना छुपा के रखा हो इसने। ओके यहाँ पे अपन को इंजन में बोल रहा। ओ ये क्या है, ये देखो भाई कोकीन इसने यहाँ पे भी रखा पड़ा है। ये तो भाई गया तगड़े में भाई। चलो इसको भाई जल्दी से अपन डालते हैं जेल में। हाँ चलो देखो भाई आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं जब नहीं कर पा रहे थे। जल्दी भाई इनको अरेस्ट करो और जेल में डालो। चलो गाइस हमने अपना पहला मुजरिम तो भाई पकड़ लिया है और इनको भाई यहाँ पे जेल में डाल दिया। ये देखो भाई देख कैसे रहा है, क्या देख रहा है, मारूँ अभी? अबे अबे भाग ना जाए, मैं अंदर जा रहा हूँ, पता चले मुझे धक्का देके भाग जाए ये। चलो इसको जल्दी से बंद कर देते भाई, लॉक है ना। और यहाँ पे क्या बड़ा, अरे एक बार में 3 प्रिजनर्स मतलब डाल सकते हैं हम इसमें। तो चलते हैं गाइस अभी बाहर। अरे यार लाइट तो बंद कर दूँ मैं, ये कौन है भाई? अबे कॉन्स्टेबल को भाई काम पे लगा दिया, सही है बे, ये क्या है? अच्छा गाइस अपन को यहाँ पे जो भी मतलब अपन को सामान मिला था ना उस सब को भाई अपन को यहाँ पे डालना है। तो गाइस मैंने सारा का सारा यहाँ पे जो भी कोकेन मिला था अपन को मैंने वो सारा का सारा इसमें डाल दिया है। और चलते हैं भाई इधर। तो गाइस अपन को बोल रहा है इसके पास जाने के लिए, चलो देखते हैं भाई इसके पास जाके क्या करना है। अरे इसको भाई आप ऑर्डर दे सकते हैं क्या? क्लीन इन। अच्छा भाई अपन को इसको मतलब ये ऑर्डर देना है कि यहाँ पे जो भी मतलब गाड़ी आएगी ना भाई, जो भी गाड़ी यहाँ पे आएगी ना मतलब चेक होने के लिए, तो उसको भाई ये यहाँ से साफ़ कर देगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगी तो। तो भाई एक ये रहा ट्रक, इसको भी भाई जल्दी से अंदर बुलाते हैं। अबे आना इतवार। अच्छा भाई अपन को यहाँ पे जाने के लिए बोल रहा है अभी। ओ भाई ये क्या है भाई, इतने सारे हथियार खतरनाक खतरनाक मिल गए भाई अपन को। तो गाइस इतने खतरनाक खतरनाक भाई अपन को मिल चुके हैं। एक तो चाकू है, दूसरा एक्स है और तीसरा ये है भाई पता नहीं क्या है, इसको कलाड़ी से ऐसा मतलब बोलते हैं कुछ तो। और नेक्स्ट भाई ये है, इसको शायद से क्रोबार ऐसे कुछ टाइप का कहते हैं, मुझे याद नहीं है भाई इसका क्या नाम है। तो नेक्स्ट गाड़ी को भाई बुलाते हैं अपन जल्दी से। अब भाई जल्दी आया करो यार, ट्रक वरक ये भाई धीरे बहुत चलाते हैं, आ ही नहीं पाते, काफ़ी देर लगाते हैं। तो भाई जल्दी से तुम उतरो, तुम्हारा चेक करने दो भाई, बाहर ही निकालो सबको। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई आ जा जल्दी। टकल से तो भाई ये गुंडा टाइप का लग रहा है, देखते हैं। अरे भाई इसको यहाँ से अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन अपन को करना नहीं है इसको, जब तक भाई इसके खिलाफ मतलब कोई प्रूफ नहीं मिलता कि इसने कुछ गलत काम किया है। तो यहाँ पे भाई इसका नाम चेक करते हैं, नाम भी मैच हो रहा है। ओ पासपोर्ट नंबर मिस मैच हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। नहीं भाई ये वैलिड नहीं है इसका, सीधा सीधा जा भाई तू। अरे मतलब तू अंदर मत जा, तुझे जाने नहीं दिया जाएगा अंदर। और भाई फोटो भी मिस मैच है इसका। गाइस ये देखो भाई इसकी फोटो मतलब मिसमैच है तो यार यही फोटो देखो, लेकिन इसने बस इसमें दाढ़ी काट दी है इस वाली फोटो में, और इसने अभी दाढ़ी रखी हुई है। और इसकी गाड़ी भाई अपन को चेक करने के लिए बोला था, तो जल्दी से भाई गाड़ी चेक करते हैं। इस जगह में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ अपन को टायर भी बोला था ना चेक करने के लिए, भाई टायर भी चेक करते रहो जल्दी से। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है, ऊपर देखो ऊपर छत में तो नहीं ना कुछ? नहीं भाई छत में भी नहीं है इसके कुछ, और ये दो टायर रह गए भाई साइड साइड के। ना इसमें भी कुछ नहीं है, हट जा बबुआ तुम यहाँ से, इसमें भी भाई कुछ नहीं है, इसके भाई गाड़ी में कुछ है ही नहीं। वही ये बंदा बच गया आई थिंक, शायद से मुझे ऐसे ही लग रहा है। ओह ये खोलो भाई, यहाँ पे बच गया वरना भी जाता। यहाँ पे कुछ था, ओह ये देखो इंजन, इसमें कुछ छुपा के रखा है इसने। तो गाइस इसने भाई कुछ भी नहीं रखा, ये दिखने में तो बदमाश है लेकिन है शरीफ, मतलब बस थोड़ा इसके जो डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा गलती है, लेकिन हम इसको अंदर नहीं जा सकते, जाने दे सकते। तो इसको करना है हमको डिक्लाइन। वाई तुझे पता है कि भाई तेरी गलती क्या है, तूने मतलब तेरा नाम भी गलत है और वो पासपोर्ट जो भी। अरे भाई रुक जाए, तेरी गाड़ी का ये दरवाज़ा तो बंद कर दूँ। अबे दरवाज़ा तो बंद करने देता, फ़ौरन चले गया। चल कोई नहीं, ये तो जा चुका है गाइस, अब अपन दूसरी व्हीकल को बुलाते हैं अंदर। चलो यार दूसरी व्हीकल भी आ चुकी है, अब इसको भी चेक करते हैं। तो गाइस ये भी बंदा आ चुका है, इसकी भी जल्दी से चेकिंग करते हैं गाड़ी की। गाड़ी की नहीं, पहले इस बंदे की चेकिंग करते हैं फिर इसकी गाड़ी की। ये भाई शक्ल देखो इसकी, कटप्पा, यही बाहुबली का शिकार करेगा यहाँ पे। कटप्पा का नाम सही है, अबे तो ये कटप्पा रखना चाहिए था अबे, नाम कुमार नाम इसने गलत रखा है बे। पासपोर्ट नंबर देखते हैं, ये भी सही है भाई इसका पासपोर्ट, भाई सब कुछ सही है ऐसा लग रहा है मेरे को तो। ओ भाई ये घूमने फिरने के लिए आए यहाँ पे अभी, भाई कोई पता नहीं है इसका, सब कुछ एकदम सही है लेकिन। हाँ भाई ये देखो शक्ल भी इसकी सही है, मतलब शक्ल सही नहीं मतलब मैं जो फोटो में वही सामने से दिखता है भाई ये। और हाँ इसकी गाड़ी भाई चेक करनी थी, अरे तू बाहर निकल यार पहले, इसको मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है बाहर ही रही हो ऐसे ही। तो भाई टायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले टायर में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा छुपा के, इस टायर में भी कुछ नहीं है। और
हटना बे, इस टायर में भी भाई कुछ नहीं है भाई, किसी टायर में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अंदर जाके देखना पड़ेगा मेरे को भाई, अंदर भी कुछ नहीं है इसके। और इधर जाके देखते हैं भाई, यहाँ पे सीट पे। हाँ ठीक है भाई, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, मुझे बस ढूंढना है कोई इनलीगल चीज़। मिल गई तो तू गया। तो भाई इसकी गाड़ी में भाई कोई भी इनलीगल चीज़ नहीं मिली मेरे को अभी तक। और इंजन में देखते हैं ना भाई, यहाँ पे भी मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो गाइस इसकी गाड़ी बिल्कुल एकदम सही है, ये बंदा शरीफ है, कटप्पा। यहाँ पे बाहुबली को मारने नहीं आया, तो इसको हम अंदर जाने दे सकते हैं। तो इसको भाई करते हैं अप्रूव, भाई तुम जा सकते हो, तुम बिल्कुल शरीफ हो कटप्पा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय गुड बाय गुड बाय, जल्दी निकलो तुम यहाँ से। अबे ये तो ऊपर कर लेता अपना, जाओ हो गया, मुझे लगा कि भाई करना पड़ेगा। चलो ये शरीफ था वो भाई। चलो अपने पास $505 हो चुके हैं टोटल, और अभी अपन को 100 मिले इससे। नेक्स्ट व्हीकल भाई अभी आ जाए, मुझे भाई यही लग रहा है, क्योंकि अभी अपन ने एक बंदे को गिरफ्तार किया है ना, और एक बचा है अभी, वो मुझे लग रहा है इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ पहले इसका टायर ही मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ से, सब कुछ इसके बाहर आने से पहले ही मैं सब कुछ चेक कर डालूंगा। ये देखो भाई ये यहीं पे है, रुक जाए 1 सेकेंड, रुक जाओ, इसको हम बाहर बुलाओ और इसको पकड़ो सीधा। गेट आउट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल से बाहर निकल गया भाई, अब जल्दी दिखा। अरे भाई सामान दे अपना बस। ओके अब देखो भाई इसका नाम मैच कर रहा है, और पासपोर्ट नंबर ये भी मैच कर रहा है, और वैलिड कब तक रहेगा भाई, वैलिडिटी भी इसकी सही है। तो भाई ये अभी जाएगा तो जेल में ही, क्योंकि और मैं जगह देख लूँ और कुछ है क्या वहाँ पे, एक ही जगह पे मेरे को बस ये दिख रहा है। ओ ये देखो भाई सीट में भी है इसके। अरे ये देखो सीट हो गया, और पीछे वाली सीट पे है नहीं क्या जगह कुछ जाने के लिए बाहर। ओ देखो देखो वहाँ पे भी कुछ लग रहा है मेरे को। अच्छा वो यही वाला है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। तो भाई यहाँ से अपन को मिला है गड्डी, भाई साहब इतने ज़्यादा पैसे चुरा के लेकर जा रहा है। और भाई ये देखो भाई इसमें भी पैसा निकला, भाई कितना पैसा लेकर जा रहा है ये बबुआ, तुम तो गए पैसे चोरी के चक्कर में, कितने पैसे लेकर जा रहे हो। चलो अब जेल में ही सीधा, ये लाइट बंद करो पहले, सीधा गिरफ्तार करो भाई इसको। भाई इतना सारा पैसा तू चोरी करके लेकर जा रहा है, तो भाई गिरफ्तारी तो करेंगे हम तेरे को। हमने भाई 2 मुजरिम यहाँ पे डाल दिए हैं, और एक और डालना है, टोटल 3 आ सकते हैं, देखो 2 आ चुके हैं इसमें। चलो भाई अब बाहर चलते हैं अपन लोग, अभी अब कुछ और काम है। अरे भाई इस गाड़ी को हटाना है ना यहाँ से, इसको बोलना पड़ेगा। अबे वो कह रहा है चुपचाप से गाड़ी हटा। ओके गाइस इसने गाड़ी हटा दी, अपन को यहाँ पे $80 मिल चुके हैं भाई, 585। अभी तक भाई कोई भी गलती नहीं की है। अरे यार तू तो चुप ही रह, अभी तक भाई हमने कोई भी गलती नहीं की है। और चलो भाई रात हो गई, जल्दी से जाके सो जाते हैं अपन लोग अपने छोटे से प्यारे से घर में। और यहाँ पे day 2 भी हो चुके हैं, और यहाँ पे देखो चार भाई, चारों के चारों अपन ने सही किए, $380 मिले, जिसमें भाई प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का है भाई $60 तो, और पर्सनल सैलरी का है $75। तो कट पिटा के भाई अपन को टोटल मिला है 245, और पिछले 205 मिला के अपने हो चुके हैं टोटल $450। भाई हमने काफ़ी कर्रा पैसा कमा लिया है इसमें। और भाई क्या ही सुबह है, क्या मस्त लग रही थी। और यहाँ पे भाई सुबह हो चुकी है फाइनली, भाई क्या हुआ। ओके गाइस ये भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना इसमें, वो अपन को कहाँ पे गए वो बंदे, उस साइड है। हाँ वो बोल रहा है कि भाई जो भी अपन ने प्रिजनर मतलब यहाँ पे लाए ना, उन सबको एक गाड़ी में डालना है, और उनको जेल में पहुँचा के आना है, क्योंकि यहाँ पे जगह भर चुकी है। और भाई अपन को रास्ते में से ही एक मतलब एक नहीं, वैसे जो भी सामान अपन को खरीद के लाना है ना वो लेकर आना है। तो जल्दी से भाई चलते हैं इनको जल्दी से जेल में डालने के लिए। भाई कहाँ गए ये सब। चलो भाई बाहर आओ, इसको सीधा ट्रांसपोर्ट पुलिस कार में जाओ सीधा, यहाँ से सीधा पुलिस कार में इन दोनों को भेज दिया है। और ये जो सामान था ना इनको भी भाई अपन को मतलब लेके जाना है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने सारा का सारा सामान ले लिया, जो भी ड्रग्स व्रग्स ये सब थे। तो जल्दी से चलते हैं भाई गाड़ी में, गाड़ी कहाँ है अपनी, ए अच्छा उस साइड है शायद से। तो गाड़ी में जाके अपन को जो भी अपना ये सामान था ना, ये पैसे से लेकर जा रहे थे, ये भी अपन को दे के आना है। अबे यार गेट इस साइड खुल रहा है, मुझे लगा उस साइड खुलेगा, रुको तो गेट भी बंद कर दे रहा हूँ। चलो भाई गेट भी बंद कर दिया, अब जल्दी से चलते हैं। और इस बंदे से कुछ बात करनी है क्या। ओके ये पुलिस का गैराज है, मतलब जहाँ पे तुम गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकते हो और देख सकते हो। भाई ये अंदर ही बैठे हैं ना, रुक जाओ देखो। ए ये क्या है वे, अच्छा यहाँ पे वो सारा का सारा सामान है जो भी अपन को। तो भाई जो भी अपन को सामान मिला था अपन ने यहाँ पे रख दिया। 1 सेकंड भाई थोड़ा गलती हो गई मेरे से, मैंने गलती से अपनी एक्स रख दी, एक्स को यहीं पे रहने दो। और इसको भाई बंद करते हैं, जल्दी से चलते हैं भाई पुलिस इसी में ही है ना। हाँ ये देखो ये बैठे हुए हैं, ओ ये काफ़ी बढ़िया है, देखो यहाँ पे ये सब लोग बैठेंगे और यहाँ पे सामान रहेगा, तो काफ़ी सही है यार। तो गाड़ी बंद करो, और भाई इसको स्टार्ट कैसे करूँ मैं, 1 सेकंड। अब यार पहले ये रेडियो बंद करो यार ये। ओके भाई रेडियो को ऑफ कर दिया अपन ने, और ये अंदर ही बैठे ना। हाँ ये देखो भाई दोनों के दोनों उदास होकर बैठे, भाई गलत काम करोगे तो ऐसे ही बैठोगे ना तुम, इधर जेल में जाओगे। तो गाइस अपन को मैप में बोल रहा है कि ये जो जगह है ना यहाँ पे अभी हमें बॉर्डर पोस्ट पे, और अभी अपन को इधर जाना है।
लेबर कैंप पे, तो इन सबको लेबर बनाया जाएगा बे। वाह सही है, मतलब बुरा है लेकिन इनके लिए सही है भाई, कम से कम सुधरेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, और भाई ये क्या है बे, चेंज नहीं कर सकते क्या? ओ ये देखो भाई चेंज कर सकते हैं अपन, मेरे को लगा था सिर्फ फर्स्ट पर्सन मोड में खेल सकते हैं अपन लोग। एक सेकेंड अपन को जाना तो है, लेकिन मैं बोलता हूँ एक सेकेंड कहाँ पर जाना है। ठीक है यहाँ से अपन को सीधा डायरेक्ट राइट की तरफ मुड़ना है और सीधा सीधा चलते जाना है, फिर तो अपन को रास्ता मिल ही जाएगा। चलो गाइस, अरे मेरे रास्ते में कोई मत आओ। अरे भाई ठुकते ठुकते बच गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक लग रहा है यार ऐसे फर्स्ट पर्सन मोड में भी खेलने में, लेकिन अपन भाई इसमें ही खेलेंगे थर्ड पर्सन मोड में। अरे यार क्या ही ठोक दिया यार, मैं कहाँ पे ठोक रहा हूँ? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई गलती से अगर अपन लोग इनको ठोक देंगे ना गाड़ी को कहीं पे, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो अपन को देना पड़ेगा, तो भाई तमीज़ से चलाना पड़ेगा। ठुकते ठुकते बच गई अपनी गाड़ी भाई। अभी अपन को कितनी दूर जाना है बे? तो भाई चलते चलते अपन को, एक सेकेंड रुक जा भाई। ठीक है भाई यहाँ पे गाड़ी पहले बंद करते हैं और फिर चलते हैं बाहर, और इसको भाई अपने पास जो एक्स थी ना उससे तोड़ना है कह रहा है। तोड़ो भाई जल्दी तोड़ो। ओके भाई टूट गया यहाँ पे जल्दी से, ये हट गया। अब जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। चलो गाइस अपनी गाड़ी को भी लेकर चलते हैं जहाँ पे अपन को जाना था। लेकिन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले मैं भाई मैप देखूँ अभी अपन लोग कहाँ हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा जाना है बस अपन को, बस सीधा सीधा नहीं, ये इस साइड की तरफ से सीधा सीधा। रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े भाई यहाँ के। ओ भाई गाड़ी की कितनी मतलब कम स्पीड है भाई यहाँ पे। चलो गाइस अपन जहाँ पे पहुँचने वाले थे मतलब, अरे भाई भाई बच्चा ठुकियो मत। तो ठीक है भाई अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देखो हमारे लिए दरवाजा भी खोल दिया भाई, मेरे को लगा गेट नहीं खोलेंगे, बात बात करनी पड़ेगी। अरे कहीं पे ठुक गए क्या अपन लोग? चलो गाइस यहाँ पे अपन अंदर आ चुके हैं भाई, बच गए ठुकते ठुकते। तो यहाँ पे रुकना है और अपनी गाड़ी जो है ना इसको बंद करना है, तो चलो भाई यहाँ से सीधा बाहर। अब अरे फंस कहाँ गया? हाँ भाई सारे के सारे डिलीवरी इसके पास करने हैं। ओके अपन को $200 मिल चुके हैं दो दो प्रिजनर को मतलब यहाँ पे छोड़ के। तो अभी अपन को भाई बोल रहा था एक रास्ते पे जाना है, देखो अभी अपन को इधर जाना है, ये जो भाई टूल की शॉप है ना, अब अपन को इधर जाना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलेंगे और वहाँ से सीधे लेफ्ट ले लेंगे, सॉरी राइट ले लेंगे, और राइट से डायरेक्ट जाते रहेंगे, फिर यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है भाई समझ गया एकदम। तो अपनी गाड़ी को भाई मैं मोड़ू कैसे? अच्छा आगे से रास्ता है शायद, यहाँ से घुमा सकते हैं अपन लोग, मोड़ने में ज़्यादा समय जाएगा, इससे अच्छा घुमा ही लेते हैं। अरे भाई कहाँ ही ठोक दी मैंने, काफ़ी ख़तरनाक ड्राइवर हूँ यार मैं। ओ भाई यहाँ पे देखो यार सीधा गेट खोल देते हैं भाई अपने लिए, पहले से ही जब तैयार बैठे रहते हैं भाई, गेट फ़ौरन खोलना है बंदा आएगा तो। कोई दिक्कत नहीं शायद ये, हाँ ये देखो भाई ये गेट भी अपन के लिए खोल दिया, और अपन को शायद इस साइड ही जाना है। हाँ इस साइड ही जाना है भाई, जल्दी से चलते हैं। और भाई ये क्या खतरनाक गुफा आ गए, बच गया यार भाई, क्या ही गुफा है, क्या मज़ेदार है भाई, ठुकते ठुकते मैं बच रहा हूँ इसमें, कितनी टेढ़ी है। अबे यार बस ख़त्म हो गई, मेरे को लगा थोड़ी बड़ी होगी तो सही रहेगा गुफा। एक सेकेंड, नहीं भाई ये रास्ता नहीं है, वो दो रास्ते कट रहे हैं वहाँ पे। तो भाई इस गाड़ी के भाई थोड़े कंट्रोल मतलब ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूँगा कि भाई ख़राब है, ठीक ठाक कंट्रोल है भाई इसके। तो अभी अपन पहुँच गए, अपन को हाँ इस साइड जाना है, ये रहा कच्चा रास्ता ही था, हाँ वहाँ पर मैंने देखा था। और इसमें भी दिखा रहा है हमको भाई हमारी मंजिल यहीं पर, बस थोड़ा दूर और है, थोड़ा सा और चला के लेकर जाना है अभी अपन को। तो गाइस फाइनली अपन लोग पहुँच चुके, और ये भाई छोटी, अबे ट्रक टकराई नहीं अब भाई, क्या है चलानी नहीं आती क्या, रुक नहीं सकता, ऐसे गलती मेरी थी, कोई दिक्कत है, निकलना जल्दी यार इतना टाइम लगा रहा है। चलो अभी अपन अपना ट्रक यहीं पे रोकते हैं, मतलब अपना वैन जो भी बोलो इसको, और यहाँ से सीधा उतरते हैं। तू जा पहले गाड़ी बंद करो, और अपन को इसी शॉप में आने के लिए बोल रहा था। देखो भाई जल्दी से चलते हैं शॉप में, अपन को कुछ सामान वामान खरीदने के लिए बोल रहा था, ट्रेड समथिंग। मेरे पास पहले से एक एक्स है, तो मैं ये वाली एक्स इसको दे सकता हूँ। नहीं भाई एक्स वैक्स नहीं दे सकते किसी को। तो यहाँ पे भाई वो भाई गन है यार, गन लेते हैं ये काम आएगी। ठीक है गाइस अपन ने गन ले लिया, और इसकी एमओ ले लेते हैं, $10 की है ना, अपन दो ले लेते हैं। ठीक है गाइस यहाँ पे अभी मैंने भाई दो एमओ ले चुकी है इसकी अपनी गन की, और कुछ तो गाइस अपन को यही खरीदनी है। भाई जाम लगा दिया अभी मैंने तो काफ़ी तगड़ा, और भाई अपन को दूसरी जगह पे भी जाना है एक। तो गाइस अभी अपन को जाना है पुलिस बेस पे, क्योंकि भाई हमने जो भी इन मुजरिम से मतलब सामान लिए थे ना, उनको हमको वहाँ पे जमा करना है, जो कि कोकेन था और वो पैसे थे। एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड मैं रुकता हूँ, पहले मैं मैप में देखता हूँ। ओ तो गाइस मेरे को पीछे से जाना पड़ेगा पूरा का पूरा, पीछे से जाके सीधा मेरे को वहाँ से लेना है लेफ्ट, और फिर एक और बार लेफ्ट। ठीक है भाई समझ गया। अबे क्या है सीधा ठोक रहा है भाई, दिख नहीं रहा यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ यार, इनको लाइसेंस किसने दिया? मैंने बेशक वो गलती की थी पहले ट्रक के साथ ठोका था, लेकिन ये तो भाई सीधा सामने आके ठोक रहा है, वो भी मैं बैक कर रहा हूँ उस समय। एक सेकेंड मैप में जाना तो यहीं पर, लेकिन कहाँ पर? हाँ हाँ सीधा जाना है अभी तो। ओके अपन को इस साइड मुड़ना है, और ये क्या है भाई ये जगह? अच्छा भाई ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता है।
भाई गेम तो एकदम खतरनाक बना के रखा है भाई। क्या ही मतलब मस्त नज़ारे हैं इसके। पहाड़ों के बीच में रोड काटा हुआ है यहाँ पे, इस साइड भी पहाड़, इस साइड भी पहाड़। ओ एक सेकेंड यार, मैंने मैप ही नहीं देख रहा जब से मैं कहीं पे भी चले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई समझ गया, अपन को इस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। ओके गाइस अपन लोग यहाँ पे आ चुके हैं पुलिस स्टेशन पे। अबे भाई क्या है, दरवाज़ा खोलो ना, अभी तो खोला इन लोगों ने। हाँ देखो भाई बंद कर दिया था, पता नहीं क्या है, और एकदम टकरा के बंद हो गया था उससे। चलो अभी अपन को सीधा ही जाना है सामने। ओके यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, रोको और गाड़ी बंद करो, दरवाज़ा खोलो, बाहर चलो। अच्छा इससे देना है, एक सेकंड, जाऊँ कहाँ से भाई मैं? ये रही देखो सीढ़ी, ये रही। चलो अब इसके पास जल्दी से जाके सामान जमा करते हैं। ये ले भाई, इससे अपन को मिले हैं $106, जो कि ठीक ठाक है भाई, चलते हैं। तो कैसे सब बैग करते हैं और चलते हैं भाई यहाँ से सीधा घर की तरफ। अरे यार मैं सीधा टकरा रहा हूँ। ओ भाई ये क्या है, अबे यार सामने का शीशा ही तोड़ दिया मैंने बे। इसका खर्चा तो मेरे पे ही जाएगा सीधा अब। यार बे क्या कर दिया मैंने नौटंकी। रुक जाओ यहाँ पे मैप मैप देखता हूँ, क्योंकि रात भी हो चुकी है काफ़ी। तो यहाँ से अपन को भाई इस साइड ही मुड़ना है। हाँ चलो यहाँ से अपन को अब सीधा सीधा जाना है बिल्कुल। ओ भाई 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 शिट यार, मैं उसका भी शीशा मैंने तोड़ दिया, मेरा टूटा ही टूटा, उसका भी टूट गया। खतरनाक मैं ठोकते हुए जा रहा हूँ भाई गाड़ी, और मुझे डर लग रहा है कहीं इसका पैसा मुझे ही ना देना पड़े, मैं तो फिर लुट जाऊँगा भाई। ओ भाई ये था खतरनाक एक्सीडेंट भाई मेरा, जिसमें देखो पूरा का पूरा खून ही खून दिखा रहा है। ये भाई पेड़ दिखाई नहीं यार मेरे को, यार मैं क्या करूँ भाई। यार ये बॉर्डर पोस्ट कितनी दूर है भाई अपनी, ये मैप थोड़ा इन्होंने बड़ा बना दिया तो बेकार लग रहा है मेरे को, क्योंकि इन्होंने गाड़ी वाड़ी ठीक ठाक नहीं बनाई है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे अपनी बॉर्डर पोस्ट पे। ओके यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो जस्ट बच गए भाई यहाँ पे अपन गाड़ी ठोकने से। तो गाड़ी को बंद करो और चलो फिर सीधा बाहर अब। हाँ भाई इसको कुछ कहना है? ओके भाई इसने गाड़ी एकदम सही से खड़ी कर दी, और भाई ये देखो यार गाड़ी मैंने कितनी बुरी तरीके से तोड़ दी है। रिपेयर भी करता है क्या ये? ये देखो भाई $50 लेगा भाई ये रिपेयर करने के लिए। आ ना छोड़ अभी नहीं कराना मेरे को, अभी इसको ऐसे ही तो तोड़ेंगे तगड़ा, बाद में कभी करा लेंगे इसको ठीक। अरे दरवाज़ा, हाँ ये रहा, मैं डर गया था भाई दरवाज़ा कहाँ गया। ओ तो भाई अपन को ये बोल रहा है अब सोने के लिए, जल्दी से जाके सोते हैं भाई अब। चल भाई सो जाओ। तो day 3 हो चुका है, और भाई यहाँ पे नुकसान भी थोड़ा दिखा रहा है अपन को। ठीक है यहाँ पे $106 अपन को मिले हैं डॉलर जब, और $200 वो प्रिजनर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो भाई $270 का मैंने भाई सामान खरीदा, गन इतनी महंगी थी, $10 का तो शायद उसकी वो थी एमओ, और भाई गन शायद महंगी थी ज़्यादा ही। और ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का इसका मतलब $60 जा रहा है, और $75 व्हीकल मेंटेनेंस का भाई $15 देने के लिए लिए बे। तो दिन भी हो चुका है भाई। चलो गाइस अब चलते हैं, कहाँ पे जाना है? तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज के इस एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि भाई आज अपन ने काफ़ी कुछ किया, प्रिजनरों को मतलब पकड़ा और उनको जेल में डाला, और फिर उनको जहाँ पे स्लेव करते हैं शायद से वहाँ पे पहुँचा दिया है। स्लेव नहीं भाई सॉरी, वो लेबर, हाँ लेबर बनाने के लिए उनको वहाँ पे हमने छोड़ दिया, और वो जो चीज़ें लेकर आए थे कोकेन और थोड़ा पैसा, वो भी हमने भाई पुलिस बेस पे पहुँचा दिया है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।